माय चैनल, कैसे हैं फ्रेंड। आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। अब चलिए मैं आप लोग के साथ चलती हूँ यहाँ पे लखनऊ में किस हर्षोल्लास से 15 अगस्त मनाया जा रहा है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए बने रहिए सामने। आप फ्रंट पे मैंने थोड़ा सा व्यू लगा ही दिया था, वहाँ का क्लिप लगाया था तो आप लोग देख चुके होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पे मम्मी जी हैं, हम हैं, छोटे वाले भैया जी हैं और छोटी हैं, छोटी सी बिटिया है वहाँ पे। तो ये सब निकल चुके हैं, सुबह बच्चों को छोड़ के आए, 7 बज रहे थे उस समय हम लोग निकल गए हैं। तो आज मैंने तिरंगा वाला कपड़ा पहना है, आपने देखा ही होगा, उसमें मैंने दिखा दिया है। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने कभी लखनऊ का सीन नहीं लिया था। बहुत ही बढ़िया लग रहा था, बहुत ही सुकून और शांति से। तभी हम ये आ गए हैं CMS स्कूल पे। CMS की कई सारी ब्रांचें हैं यहाँ पे, पर फेस 1 ब्रांच है ये विशाल खंड में, जो कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पे पढ़ाया जाता है और हमारे सारे बच्चे यहीं पे पढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए बस वगैरह खड़ी हुई थी, तो सामने से हम लोग आए हैं और पीछे वाले गेट से मुड़ गए हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं आगे की तरफ। तो बने रहिए हमारे साथ और हम कहाँ कहाँ जाएंगे वहाँ आपको लेके चलेंगे। जो लोग पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप मेरी हर न्यू वीडियो देख पाएँ। तो यहाँ पे चाय वाले भैया जो हैं बहुत ही बढ़िया चाय बनाते हैं। तो ये सारा स्मॉल के पास ये चाय मिलती है, बन मक्खन और चाय, बहुत ही चाय तो बहुत ही टेस्टी होती है यहाँ की। तो जो भी लखनऊ के हैं आके यहाँ पे चाय ज़रूर पिए, बहुत ही अच्छी चाय है। वैसे मैं मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही बोल रही हूँ, अच्छी चाय होती है। तो यहाँ पे श्रुति भी सब कोई बन मक्खन चाय पी रहे थे, क्योंकि सुबह निकल चुके थे तो घर पे चाय तो हुई थी, पर वैसे दूसरी वाली जो चाय होती है नाश्ते के साथ वो नहीं हुई थी। तो उसके बाद जो है अब हम लोग आगे की तरफ निकलते हैं। तो लगा देते हैं म्यूजिक, या मैं आप लोग को बोल के बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, थोड़े म्यूजिक और थोड़ी बातों के साथ हम आपको। आप लोग जान पा रहे हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग अम्बेडकर पार्क आ गए हैं। अंदर घूमने के लिए नहीं जाएंगे, ऊपर से सड़क से हम लोग जैसे ही देख रहे हैं अंदर, गेट के अंदर गए थे पर उसके अंदर नहीं गए थे। तो यहाँ का व्यू आपको कुछ इस तरीके से दिखाते हैं कि जो लाइन से बनी हुई है ना, वो सारी हाथियाँ हैं। कभी हो सकता है मैं आपको पास से भी दिखाऊँ, वैसे मैं गई कई बार हूँ पर अभी मैंने कभी शूट नहीं किया है यहाँ का कुछ भी। तो ऐसे ही सड़क से हम लोगों ने आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा सुबह का व्यू था तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो इस तरीके से और यहाँ पे सभी अपना सेल्फी वगैरह ले रहे थे, फ़ोटो ले रहे थे जिसको भी। तो ये देखिए छोटे वाले भैया जी हैं और मम्मी के साथ सेल्फी ले रहे हैं। तो हम लोग फिर निकल पड़े वहाँ से आगे के लिए। तो कुल मिला के जाने का एक ही था कि सुबह क्या कैसे हर्षोल्लास है लखनऊ में, क्या क्या सब कुछ वही, बहुत ज़्यादा नहीं, जो भी है बाइक से कार से लोग यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो कुछ जनता ऐसे ही आपको नज़र आएगी आगे सामने, देखेंगे आगे वीडियो में। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे सड़क के किनारे खड़े होकर झंडे लिए खड़े हैं, कुछ लोग बाइक से हैं तो कुछ लोग कार से हैं। इस तरीके से रैलियाँ निकल रही हैं यहाँ पर। यहाँ पे स्टेडियम वगैरह था, ये जो गोल्फ वगैरह खेलते हैं वो सब यहाँ पे बना हुआ है।
काफ़ी जगह में है, कुछ लोग खेल भी रहे थे यहाँ पे, पर मैं आपको पास से नहीं दिखा पा रही क्योंकि हम लोगों ने गाड़ी पे ही बैठ के सब कैप्चर किया जितना भी वीडियो में आया है। तो यहाँ पे जो है तो चलिए यहाँ पे जो है हम लोग सुबह हल्का सा नाश्ता लेने के लिए, जिसको भी जूस या कुछ भी पीना हो, तो जनेश्वर उत्पाद के सामने ही सारे स्टॉल लगे रहते हैं जहाँ पे कि स्प्राउट सैलेड और जूस वगैरह सब कुछ मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से नारियल पानी है, करेले का जूस, लौकी का जूस, सफ़ेद कद्दू वाला जो पेठे वाला कद्दू होता है उसका जूस, और जो भी मतलब आपको हेल्दी चीज़ें खानी हो यहाँ पर सब कुछ मिलता है। तो किसी ने लौकी का जूस पिया, किसी ने कद्दू का पिया, किसी ने करेले का पिया, और हम लोगों ने स्प्राउट लिया जिसमें कि मेथी दाना और मूंग और चने सब मिक्स करके भिगो करके बनते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है, हम आप लोग के साथ इसी तरीके से वीडियो ले आएँगे।